लड़के थे तो उन्होंने छड़ा दी, मौके पे मर गए। ये तस्वीरें प्रदेश की राजधानी के चाकसू विधानसभा की है। मुर्दाबाद की ये नारे चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के लिए है। वेद प्रकाश सोलंकी को सचिन पायलट का खासम खास माना जाता है। अब आखिर जनता ने वेद प्रकाश सोलंकी के नाम से मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए और क्यों पायलट को मौके पर पहुंचना पड़ा, तो आपको बता दें जयपुर के कोटखावदा में रविवार को सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे एक ही परिवार के चार लोगों को थार जीप ने कुचल दिया। हादसे में माँ बेटे और पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों के साथ ही गांव के लोग विरोध में धरने पर बैठ गए। सोमवार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने सुरक्षा के बीच पायलट और सोलंकी को धरना स्थल पहुंचाया, जहां पायलट ने पीड़ित परिजनों से बातचीत की। सचिन पायलट ने करीब 20 मिनट तक परिजनों और ग्रामीणों के साथ बातचीत की, लेकिन भारी विरोध के चलते दोनों वापस लौट गए। बताया जा रहा है इस दौरान आक्रोशित लोगों ने विधायक सोलंकी पर टायर और पत्थर भी फेंकने की कोशिश की। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि कार चालक के खिलाफ अभी भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। दो घरों के बच्चे अनाथ हो गए हैं। अनाथ बच्चों के साथ मीणा डीजीपी आवास पर धरने पर बैठे हुए हैं। किरोड़ी ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती और आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं मृतकों के परिवार की एक बच्ची ने पूरा घटनाक्रम बताया। हमारे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे मम्मी पापा कौन था और क्या हुआ था घटना, बताइए क्या हुआ था घटनाक्रम, क्या हुआ था उस दिन घटनाक्रम? घटनाक्रम पे यह हुआ था कि वो गंगा जी से आए थे, वहाँ पे बोड़े के पेड़ के नीचे साइड में बैठे हुए थे, सड़क से बहुत दूर था, तो वहाँ पे बैठे भैया छोड़ के गए थे उन्हें पेड़ के नीचे। वहाँ से जाने के बाद में भैया तो घर पहुँच गए थे और वहाँ से एक गाड़ी थी जो आई थी जो दो तीन बार आके चली गई। फिर बाद में ना अचानक से उससे जाने क्या हुआ, ड्रिंक पी रहे थे तीन चार लड़के थे, वो ड्रिंक पी रहे थे तीन चार लड़के थे जो उन्होंने छड़ा दी, मौके पे मर गए पूरा परिवार। अब पुलिस ये कह रही है कि पहले इनकी डेड बॉडी जला के आओ फिर तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, और अपराधी अभी तक खुले में डोल रहा है, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया। धरने के दौरान डीजीपी उमेश मिश्र ने फोन पर मामले की कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद डीसीपी इस्ट ज्ञान चंद यादव ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अभी जो डीसीपी साउथ योगेश गोयल साहब से बात हुई है उनके मुताबिक इन्होंने जो एफआईआर 11 बजे दी, उसके बाद में जिस मजमून की एफआईआर दी गई उस मजमून की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। जो आरोपी के लिए आरोप है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से भाग गया। एफआईआर आज सुबह 11 बजे इन्होंने दी है और उसके बाद में एफआईआर के बाद में जो धाराएं इन्होंने बताई उनके लिए इनको आपस में जो विचार विमर्श चल रहा है कि एक्सीडेंट की धारा में मुक्त दिया जाए या हत्या की धारा में दिया जाए। जो मुकदमा इन्होंने दिया है, जो एफआईआर दी है उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, अब तफ्तीश जारी है, जल्दी मुलजिम गिरफ्तार हो जाएगा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे में 35-35 लाख रुपयों के साथ ही आश्रितों को सरकारी नौकरी, पीएम आवास का लाभ, आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, ऐसे में परिजनों का धरना जारी है।